वृंदावन वाले महाराज जी अब हमें डांट रहे थे, बोले तुम इतने वी वी आई पी बनत जा रहे का बताइए। हमने कहा महाराज जी जैसी आपकी आज्ञा। तो पूज्य वृंदावन वाले महाराज जी अब हमें डांट के लवा ले आए कि चलो पैदल, नहीं तो हम तो आज पतो है का बने थे, हम पूरा मुंह बांधे थे, मास्क लगाए थे, कैसे हमें पतो तो आदमी खतरनाक होत। और जो भारत आए, भारत में तुम खाली कमरा के बाहर एक बोर्ड टांग दो, अंदर झांकना मना है। खाली कमरे के बाहर बोर्ड लिख करके टांग दो, अंदर झांकना। आदमी होता ही झांके के है का, उगे पैसा चाहे ले लो पर जो दिखवाओ है का। हाँ, उसी प्रकार हमारा नियम है, संकल्प है कि कोई हमें स्पर्श नहीं करता, क्योंकि हम मुग्धर लिए रहते हैं हाथ में, तो स्पर्श दोष से, स्पर्श से थोड़ा दूर रहते हैं। लेकिन आदमन लगन लगत है यही नहीं चमत्कार घुसो। हाँ, तो कौन ऊपर दनिया ताना, तो कौन एक ने तो हद कर दी, काल चोटक गई तान रही थी हमारी। हाओ जा है जा, काल से हमने पर पूरी बांधी लोनिया, कैसे हम तने तने चले गए थे। उन्हें ऐसी पकड़ी, बोले गुरु सुनिए। अरे मोरे, हमने कहीं मोरे प्राण अटके थे, चोटकिया छोड़ पर सुनाई था। हाओ वो चोटकिया तान रही थी ऐसे ही सागर के आगे। हम एक जगह गए थे, एक ने हाथ पकड़ लो। अरे हम कही छोड़ यार भैया, बोलो वहाँ गुरु हमने सुनी महाराज तुम जी पे हाथ धर दे तू को भलो हो जा। हमने कही अबे तो हमारो भलो नहीं बच रहा हुआ, तो रोका कर दिए आगे के लगे छोड़। बड़ी मुश्किल से छोड़ो उन्हें, तो फिर भी महाराज जी कह रहे थे नहीं पैदल जाओगे, नहीं तो आज हम बढ़िया बांध आंध के आ रहे थे कि कोई चीन ना पाए, डायरेक्ट मंच पे पहुंच जाइए। लेकिन फिर महाराज जी बोले नो। महाराज जी ने अब हम कही संत की वाणियाँ, महापुरुष की वाणियाँ, महापुरुषों का तो आदेश जीवन में पालन करना ही चाहिए। एक बात बोले, जिसने अपने जीवन में संतों की आज्ञा का पालन कर लिया वो कभी असफल नहीं हुआ, क्योंकि संत परमार्थी होते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए कहते हैं। बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी भी यहाँ यज्ञ में विराजमान हैं, जगत गुरु जी भी विराजमान हैं। बोलो श्री सीताराम। तो बुंदेलखंड महाकुंभ में कल लगभग 3 लाख लोगों ने डुबकी लगाई बागेश्वर धाम पर, और आज तो भैया हद हो गई, आज तो बुंदेलखंड महाकुंभ में लगभग 5 लाख से रात्रि 2 बजे से अभी तक मंदिर में भीड़ नहीं, कम से कम 4 बार भगदड़ मची, लेकिन हनुमान जी ने सबकी रक्षा करी, किसी को एक चोट नहीं लगी है, और 7 लाख लोग अभी तक दर्शन कर गए इस महाकुंभ में। बोलिए बालाजी सरकार की। उसका नजारा ये है कि पंडाल के जितने होते हैं उसे 3 गुनी अलग अलग जगह पंडाल लगे, 4 जगह पंडाल लगे, इतने ही बड़े बड़े डॉम LED लगी होते, अलग दर्शन कर रहे। बोलो श्री सीताराम, श्री सीताराम। यज्ञ के परिक्रमा करो सब जने, अब आज तो भीड़ है, रात्रि में परिक्रमा करो, 21 परिक्रमा 11 परिक्रमा यज्ञ के करो, ऐसो मौका भैया हरो दोबारा नहीं मिलने यहाँ। इस मौके के लिए, महाकुंभ के लिए हमारे संत महापुरुष 12 साल इंतजार करते हैं, तब जाकर के उज्जैन, नासिक, प्रयागराज आदि में कुंभ में जाकर के जो है, हरिद्वार आदि महाकुंभ में जाकर के डुबकी लगाते। और धन है इन संतों की कृपा, वही दर्शन वही कृपा बागेश्वर धाम पर सहज में इन्होंने बरसा दी है। बोलो बागेश्वर धाम की जय। भूतन बारे दो यहाँ तन की मुठी बांध लो, हम तुम्हारा उपाय शुरू कर दें, क्योंकि तुमोरन को जो दरबारा फिर भी अर्ची लगा रहे, और 4 बजे से कथा में आप सब पहुँचेंगे। जगह ना मिल पाए तो बगल का पंडाल संतों का स्थान पर छोड़ करके आगे में LED लगी वहाँ दर्शन करो, सामने LED लगी वहाँ दर्शन करो, सांस्कृतिक जो मंच है हम वहाँ की भी LED चालू करवा देते हैं, वहाँ भी दर्शन करो। बोलो सीताराम।